मैडम ग्लोरिया तो ये कहकर गई थी कि वो शिवा को फौरन छुड़ा कर लेके आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने शिवा के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या शिवा वाकई मुजरिम है? ये सब तो सच है, लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता है कि अमित का मर्डर शिवा ने किया है। पुलिस का तो काम ही है बैठे बैठे किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देना। देखो सुनीता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ग्लोरिया शिवा को लेने गई है और शिवा को लेकर ही आएंगी, है ना आकाश? सुबह होने वाली है, पता नहीं मैडम ग्लोरिया कब तक लौटे। मैडम ग्लोरिया आ गई हैं, उन्होंने आप लोगों को याद किया है। मैडम ग्लोरिया, आपने तो कहा था कि आप शिवा को साथ में लेके आएंगी, लेकिन वो तो आपके साथ आया नहीं। आज सैटरडे है और कल संडे, कोर्ट बंद है। वैसे मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो शिवा को तंग नहीं करेगा। मंडे को मैं उसे छुड़ा कर ले आऊंगी, बस एक ही दिन की तो बात है। हाँ सुनीता, शिवा आ जाएगा, प्लीज अब रोना बंद करो। सुनीता, मैडम ग्लोरिया के होते हुए हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, पुलिस शिवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रात काफी हो चुकी है, तुम लोग जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनीता, तुम यही रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है शिवा के बारे में। तुम लोग दोनों जा सकते हो, मुझे सिर्फ सुनीता से काम है। बैठो सुनीता। तुम शिवा से बहुत प्यार करती हो? हाँ। तुम शिवा से शादी करना चाहती हो? शिवा वाकई खूबसूरत था। हाँ था, लेकिन अब नहीं रहा। नहीं रहा? ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं, वो मर गया है। मैंने उसे मारा है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले अमित की मौत हो गई, अब शिवा को पुलिस पकड़ के ले गई। What is all this? अंजलि, relax। शिवा ने अमित का खून नहीं किया है, पुलिस उसे सिर्फ शक के बिना पर ले गई है, वो छूट जाएगा। आकाश, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुझे तो यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत घबराहट सी हो रही है। अंजलि, नाउ यू आर ओवर रिएक्टिंग। दरअसल अमित की मौत के बाद तुम घबरा गई हो, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आकाश, सोचने वाली बात यह है कि इस हवेली में हमारे सिवा और कोई नहीं है।
अब मैडम ग्लोरिया और बटलर तो ये काम कर नहीं सकते, तो आखिर अमित का खून किसने किया होगा? प्लीज यार, इस तरह सोचोगी ना तो तुम्हारा डर और तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। उल्टे सीधे ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आओ देखते हैं। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। अब सिर्फ दो शिकार बाकी है, आकाश और अंजलि। उनके खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद मेरी उम्र एक साल और बढ़ जाएगी। मैं और भी खूबसूरत और जवान दिखूंगी। तुम फिक्र मत करो, उन दो शिकार पर तुम्हारा भी अधिकार है। कम ऑन अंजलि, कम ऑन, आओ अंजलि, चलिए।
इंस्पेक्टर साहब प्लीज चलिए और चलकर अरेस्ट कर लीजिए ग्लोरिया और उसके बटलर को। इंस्पेक्टर साहब वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग प्रेत आत्माएं हैं, वैम्पायर्स हैं, लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। इंस्पेक्टर वहां इतने रोज से जो मर्डर्स हो रहे हैं उन मर्डर्स के पीछे उन दोनों का ही हाथ है। तो वो दोनों कातिल हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। तो वो इंसान नहीं प्रेत आत्माएं हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? जी हाँ, हम इस बात के गवाह हैं, हम लोगों ने उनकी बातें अपने कानों से सुनी है। प्रॉपर्टी का सिर्फ एक बहाना था इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वो किसी भी लालच से लोगों को वहां बुलाती है और फिर उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। अच्छी कहानी बना लेते हो हवलदार। यस सर। इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। अरे अरे मगर आप हमें हथकड़ी क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि मैं सच्चाई जान चुका हूं। बंगले से मिसेस ग्लोरिया का फोन आया था कि तुम दोनों उनके बटलर का कत्ल करके भागे हो। What? अरे ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल झूठ है ये। सच और झूठ का फैसला बाद में होगा, फिलहाल मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो। हवलदार सुनानी तुमने, अरेस्ट करो इन दोनों को। अरे ये गलत है, छोड़ो ना। अजीब जबरदस्ती है ये। अरे शट अप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि खून हमने किया है, हम कातिल हैं, तो हमें हवालात में बंद कर दीजिए। ये जंगल में कहाँ ले जा रहे हैं आप? तुमने कत्ल किया, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना। अगर तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा तो तुम अगले दिन घर चले जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिलेगी। अरे जब हमने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? और अगर ऐसा कुछ है तो कानून हमें सजा देगा, तुम कौन होते हो? तुम दोनों ने मैडम ग्लोरिया के खास आदमी का कत्ल किया है, इसलिए तुम्हें सजा भी वही देगी। क्या हमें सजा ग्लोरिया देगी? लेकिन क्यों, वो होती कौन है? देखिए आप जीप मोड़िए और हमें पुलिस चौकी ले चलिए। इंस्पेक्टर साहब आपने ये जीप यहाँ क्यों रोक दी? क्योंकि यहीं पे तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा काम था तुम दोनों को यहां तक पहुंचाना, मेरा काम खत्म हुआ। अरे सुनिए तो, कोई है? मेनका क्या कर रही हो, जल्दी टोस्ट लाओ, मुझे देर हो रही है, कम ऑन हरी अप। कौन सा किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है या ड्यूटी का टाइम निकला जा रहा है? देखो मेनका, सुबह सुबह तुम मुझे ताने मत मारो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं पैसे कमाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? हाँ जवाब दो। मैं क्या जवाब, मैं तो मांगने वालों को जवाब देते देते तंग आ गई।
कभी कभी तो जी में आता है कि आत्महत्या कर लूं। क्या कहा तुमने? आत्महत्या? मिनका, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यार से सिर्फ दिल के जख्म भरे जा सकते हैं अश्विन, पेट नहीं। पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत होती है और रोटी के लिए रुपयों की जरूरत होती है। जानता हूँ, जानता हूँ। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। सच कह देती हूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। मैं किसके सामने जाकर अपने दिल की भड़ास निकालूं? पता नहीं क्या क्या भुगतना लिखा है अभी तक। यही कि दिल रोया है मंदिर मस्जिदों को वीरान देखकर, हमारी तरह खुदा का भी खाना खराब। यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना चाहती हूं। इस चिट्ठी को मेरा इनविटेशन समझकर नीचे लिखे हुए पते पर मेरे घर में आ जाना। ग्लोरिया, ग्लोरिया कौन हो सकती है?